बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी, बिल्कुल बाजार जैसे नगर्स बना रहे हैं, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले दो ब्रेड के मैंने स्लाइस लिए हैं, इसके हम किनारे काट लेंगे। और इसके पीस कर देंगे। अब एक चॉपर लेंगे एक पाव हम चिकन डालेंगे, ये बोनस चिकन है। अब इसके अंदर हम ब्रेड के स्लाइस जो पीस करके रखे हैं ये डाल देंगे। एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, एक सब्ज मिर्च इसको कट करके डाल देंगे। अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए हमने सारी चीजों को चॉप कर लिया है, अब हम इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल फाइन चॉप हो गया है पेस्ट की तरह। अब इसमें स्पाइसी डालेंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, 1/4 टी स्पून रेड मिर्च। दो टी स्पून सोया सॉस। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए मटेरियल मिक्स हो गया है। अब हाथों को ऑयल लगाएंगे और हम इसके नगर्स बनाएंगे। आप जिस शेप के चाहें बना सकते हैं, इतना इतना पोर्शन देंगे। इसको पहले ऐसे गोल कर लें, उसके बाद इसके ये शेप में कर लें। सेंटर में से थोड़ा सा ऐसे कर दें। ये देखें आधे की शेप मैंने ये बनाई है, आधे की ऐसे मैंने चकोर शेप बना दी है। अब एक अंडा लेके इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। एक एक हम उठाएंगे नगट्स, पहले अंडे के अंदर डिप करेंगे। इसके बाद मैंने ब्रेड क्रम लिया है, अंडे में से ऐसे निकाल लेंगे और ब्रेड क्रम में रखेंगे और इसको अच्छे से ब्रेड क्रम से कोट कर देंगे।
अब एक हाथ से आप अंडे में डालें और दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्ब लगाएं। ये देखें हमारे चिकन नगर्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब मैं आपके साथ इसका तरीका शेयर करूंगी कि इसको लंबे अरसे तक हम कैसे महफूज करके रख सकते हैं। आप प्लास्टिक का कोई भी डिब्बा लें और इसके अंदर ऐसे जो प्लास्टिक के बैग मिलते हैं वो ले लें और इसके अंदर ऐसे करके रख दें। नगर्स को उठाएं और प्लास्टिक के बैग के ऊपर ऐसे रखते जाएं। ये एक तय हमने रख दी है, अब ऐसे ही हम दूसरी रखेंगे। और इसके ऊपर भी ऐसे रख दें। इस तरह आप पूरे डिब्बे में रख सकते हैं। एयर टाइट डब्बे में रखें और इसको फ्रीजर में तकरीबन 2-3 महीने तक रख के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपने फ्राई करना हो इसको निकालें और गरम गरम ऑयल में डाल के इसको फ्राई कर लें। ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। चलिए अब हम इसको फ्रीज करते हैं। ये ऑयल मैंने चूल्हे पे रख दिया है, ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम नगर्स को फ्राई करेंगे। आंच हमने लो और मीडियम के दरमियान में रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं हमने आंच करनी इसकी, क्योंकि चिकन है, चिकन को हमने अच्छे से फ्राई करना है। जब एक साइड गोल्डन हो जाएगी फिर इसकी साइड दूसरी कर देंगे। अब इसकी साइडें तेज कर देंगे। और दूसरी साइड से भी ऐसे ही गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने जबरदस्त फ्राई हो गए हैं। ये देखें हमारे चिकन नगर्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के बने हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करना। मुझे उम्मीद है आपको जो मेरी रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।